देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का विरोध, युवाओं ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन। कहा कि अगर अवैध शराब की दुकानें एक हफ्ते में बंद नहीं होती तो करेंगे बड़ा आंदोलन। इन दिनों आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का चल रहा जोरों से धंधा। प्रशासन सुस्त, अवैध शराब कारोबारी मस्त, अब कार्यवाही करेगा कौन? एक हफ्ते में कार्यवाही की मांग। इन दिनों खनिया धाना व खनिया धाना के आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। अवैध शराब का धंधा कई घरों को बर्बाद कर चुका है। इसी को लेकर खनिया धाना व खनिया धाना के आसपास के क्षेत्र के युवाओं ने एकत्रित होकर अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इन युवाओं ने एकजुट होकर खनिया धाना तहसील पहुंचे और खनिया धाना तहसीलदार को अवैध शराब को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में युवाओं ने दर्शाया है कि खनिया धाना आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, जिससे कई घर बर्बाद हो चुके हैं और कई घर बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हैं। युवाओं ने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि अगर इस अवैध शराब के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ये क्या है, हमारे क्षेत्र में अवैध शराब की दुकानें जितनी भी संचालित हैं उनको बंद कराने के हेतु हमने आवेदन दिया है। इससे हमारे आमजनों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गृह कलेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है हमारे समाज में। रोज आए दिन का शराबियों के नाटक है, वो देख के परेशान है हम लोग। आम नागरिक को बहुत समस्या है इससे, छात्राओं को परेशानियां हैं, महिलाओं को परेशानियां हैं। देखो प्रशासन कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं हम युवाओं की टीम लेके और महिलाओं की टीम लेके एक आंदोलन करेंगे। शांति प्रिय अपनी कोविड की स्थिति को देखते हुए आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो अच्छा है, नहीं आगे देखते हैं क्या होता है।